नमस्कार किसान भाई, जानेंगे राजस्थान में एक बार फिर सैकवा टीम में जमी बर्फ। फतेहपुर में लगातार चौथे दिन भी माइनस में दर्ज हुआ तापमान। हिमालय से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण सैकवाटी अंचल में लगातार भी माइनस डिग्री में चल रहा है तापमान। आप देख पा रहे हो इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान बना बर्फ स्थान, क्योंकि राजस्थान में कश्मीर जैसा हालात बन गया। खेतों में जमा बर्फ आप इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हो। इस सर्दी में रत भरी भी एहसास नहीं हुआ और जनजीवन भी थमासा रहा। खेतों में फसलों से लेकर मिट्टी तक बर्फ जम गई। जहां तहीं गिरी ओस और बर्तनों में रखा पानी भी बर्फों में तब्दील हो गया। आपको बता दें, आग जलाने से भी सर्दी का बचना मुश्किल रहा। मौसम विभाग की माने तो शीतलहर का दौर 22 दिसंबर तक रहेगा। इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ 23 से 25 दिसंबर के बाद प्रदेश में बारिश का दौर शुरू होगा, जिसमें थोड़ी बहुत प्रदेशवासियों को राहत मिलेगी। सैकवाटी में शीतलहर का भी अलर्ट जारी किया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार सैकवाटी सहित प्रदेश के कई जिलों में अति शीतलहर व शीतलहर का दौर भी जारी रहेगा। मौसम की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक झुंझुनू, अलवर, भीलवाड़ा, भरतपुर और जबकि पश्चिमी राजस्थान के चूरू, हनुमानगढ़ व नागौर के जिलों में भी शीतलहर जारी रहेगी और गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर और भरतपुर के आसपास इलाकों में भी शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। और मौसम विज्ञानों के अनुसार उत्तर में पश्चिमी ठंडी हवा अगले 2 से 3 दिनों तक जारी रहेगी। राजस्थान के पश्चिमी जिलों में भी तापमान में गिरावट आएगी, इससे दायरे में रह सकेगा। जबकि राजस्थान के पूर्वी जिलों में तापमान अगले 24 घंटों तक स्थिर रहेगा और उसके बाद धीरे धीरे वृद्धि हो सकेगी। क्योंकि स्काईमेट वेदर के अनुसार 22 दिसंबर तक पश्चिमी हिमालय के पास ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ आने की उम्मीद है। इससे हवाओं की दिशा बदलेगी और उत्तर पूर्वी ठंड और उत्तर पश्चिमी यहाँ गर्म और पश्चिम हवाओं और दक्षिण पूर्वी हवाओं के कारण उत्तर व पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में बादल छा सकेंगे और रात और दिन के तापमान में भी बढ़ने के चांस लग रहे जा रहे। तो यही थे आज मौसम का ताज़ा अपडेट। फिलहाल के इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।